हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जेबीटी की 1225 पद भरने के आदेश जारी किए गए हैं। इनमें से 758 पद बैच वाइज और 467 पद कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से भरे जाएंगे, लेकिन जेबीटी के रिक्त पदों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जेबीटी के पद भरने के लिए बीएड डिग्री धारकों को भी शामिल किया गया है, जिसके खिलाफ डीएलएड प्रशिक्षित रोजगार संघ ने रोष व्यक्त किया है। प्रदेश अध्यक्ष जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित रोजगार संघ, जैसा कि आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मंडी में सभी लोग इकट्ठा हुए हैं जेबीटी के, चाहे वो डाइट से हो चाहे प्राइवेट कॉलेज से, काफ़ी यहाँ पे स्टैंप जुड़ी हुई है हमारे साथ। आज का हमारा जो इशू था, इसमें काफ़ी टाइम बाद जो है सरकार ने जेबीटी की बैचवाइज भर्ती स्टार्ट करवाई थी 1225 में से 758 पोस्टों के लिए, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे जो कमीशन के बाद जो बैचवाइज वाली पोस्टों को भी यहाँ पे स्टे लिया गया है बीएड वाले उम्मीदवारों के द्वारा। हम लोग चाहेंगे कि सरकार ने जो पहले भी इनसे हाईकोर्ट में जो केस चला था कमीशन का जेबीटी वर्सेस बीएड, उसमें आज तक कोई 2 सालों में इन्होंने कोई भी वैकेंसीज नहीं फिल की हैं, ना ही जेबीटी का जो है यहाँ पे जो इनसे रिप्लाई मांगा गया था हाईकोर्ट में इन्होंने कोई सबमिट नहीं करवाया। मुझे समझ नहीं आ रही है कि जो सरकार जेबीटी के जो बैच यहाँ पर बिठा रही है किस बेस में बिठा रही है। 28 यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज हैं और 12 सरकारी संस्थान हैं। 3000 के तकरीबन जो हर साल यहाँ पे जेबीटी रिक्रूट किए जाते हैं और किस लिए किए जाते हैं, इससे इसका तो बिल्कुल एक सीधा साधा सॉल्यूशन निकलता है कि आप जेबीटी के जो कॉलेज हैं सारे बंद कर दीजिए। इससे अच्छा कि आप उनको बीएड करवाएं, ताकि उसके बाद जो बीएड करके और जेबीटी और बीएड में दोनों जगह एलिजिबल हो। हम लोगों की इतनी संख्या आज हो चुकी है 25 से 30 हज़ार जो है पूरे प्रदेश भर में जेबीटी यहाँ लग चुके हैं, लेकिन माननीय जयराम जी ने इस चीज़ में कोई भी सुध नहीं ली है। हम जैसे कि हम डिस्ट्रिक्ट मंडी से ही बिलोंग हैं, हम काफ़ी बार जयराम जी से मिले हैं, लगभग 50 बार जो हमने ज्ञापन यहाँ पर सौंपे हैं, लेकिन आश्वासन के तौर पे हमें कुछ नहीं मिला है। जैसे कि बोलते हैं कि राजा जो है अपनी प्रजा के बारे में सोचता है, प्रजा के बारे में उनका ख्याल रखता है, लेकिन ऐसा राजा हमें नहीं चाहिए जो अपने प्रजा के बारे में नहीं सोच सकते। लगभग 2 साल हो चुके हैं, एक भी पोस्ट यहाँ पर जेबीटी की नहीं भरी जा रही है, ना ही कभी सरकार ने, ना ही जयराम सरकार ने यहाँ पे जेबीटी के लिए कभी सामने आके मीडिया में आके कभी कुछ नहीं बोला कि हम जेबीटी के साथ में हैं, अभी रोक में। आज भी देखिए आप बैचवाइज में यहाँ पे रोक लगा दी गई है। 2008-10 का बैच जो है यहाँ पे काफ़ी लंबे अरसों बाद जॉब का वेट कर रहा था, अभी 3 जगह पे काउंसलिंग हुई थी और पूरा भ्रमण करके यहाँ पे जो बैच वाले सभी जगह काउंसलिंग अटेंड कर रहे थे, लेकिन इसी बीच जो है कमीशन और बैच दोनों रोक दिए गए हैं बीएड उम्मीदवार द्वारा। इससे पहले भी देखो काफ़ी भर्तियाँ हुई हैं, शास्त्री वाला केस चला 2 या 3 महीने में जो है सरकार ने उसका निपटारा भी हाईकोर्ट ने किया, पटवारी वाला केस चला हालांकि उसमें सीबीआई भी बैठी लेकिन उसका भी निपटारा जल्दी हुआ। तो मैं समझ नहीं रहा हूँ कि जयराम सरकार जो है ये सौतेला व्यवहार जेबीटी के साथ क्यों कर रही है। अभी हमने जो इसमें कुछ एक बिंदु रखे थे कि अभी हम कुछ दिनों में रैली यहाँ से करवाएंगे पूरे स्टेट भर से, इसमें एक इंटीमेशन देंगे सरकार को, अगर रैली के पश्चात भी अगर ये चीज़ क्लियर नहीं होती है तो सीधा साधा हमारा एक इसमें स्टेप रहेगा कि विधानसभा जब स्टार्ट हो रही है 26 फरवरी से, उसके बाद हम सीधा जो धरना है विधानसभा में देंगे, पूरे प्रदेश भर से हम जो है विधानसभा में खड़े होंगे, और इसके पश्चात भी अगर कुछ नहीं बनता है तो हम भूख हड़ताल जो मर्जी हम सरकार के विरोध में भी करने को तैयार हैं।